हेलो गाइस, कुछ दिनों से लगातार जनरल प्रमोशन एंड ऑनलाइन एग्जाम के न्यूज के चलते काफी सारे स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करना छोड़ दिए हैं। वे कंफ्यूज हैं कि पढ़ाई करें कि नहीं करें। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ कि पढ़ाई करते रहें। इसके पीछे काफी सारे रीजन है। ये बिल्कुल भी मत सोचे कि जनरल प्रमोशन हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, जैसे तैसे चीटिंग करके हम जो है वो पास हो जाएंगे। तो इस चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पढ़े। अगर आप घर में भी खाली फिली बैठे हो तो एटलीस्ट पढ़ाई करते रहो। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपको फर्स्ट ईयर में बेस क्लियर नहीं हुआ तो आपके लिए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपना बेस क्लियर करना जो है वो काफी जरूरी है। उसी तरह अगर आप सेकंड ईयर में हो, अगर आप लोगों ने सेकंड ईयर को अच्छे से नहीं पढ़ा तो थर्ड ईयर जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब पूरा बीएससी या फिर बीए, बीकॉम, जिस भी सब्जेक्ट में आप हो, अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ाई नहीं किया तो आगे जब आप मास्टर करोगे या फिर एमएससी, एमकॉम, एमए वगैरह करोगे तो उस वक्त आपको जो है वो काफी ज्यादा परेशानी होगी। और खास करके अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप इस तरीके से जनरल प्रमोशन के चक्कर में साल भर पढ़ाई नहीं करते हो तो कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है वो फाइट करना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अभी टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, कॉलेज नहीं लग रहा है, जनरल प्रमोशन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो इस समय में जो है वो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ, आगे जब हम किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कभी भी अगर हमें हमारे नॉलेज की बात आती है, अगर हम इस जनरल प्रमोशन के चक्कर में रहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम के चक्कर में रहते हैं, हमारा बेस कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आगे चल के जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल होगा, चाहे हम नॉलेज की बात करें या फिर किसी इंटरव्यू की बात करें। क्योंकि देखिए, नॉलेज जो है वो मायने रखता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी आगे जाओगे तो हमेशा लास्ट टाइम में आपका नॉलेज ही जो है वो काम आएगा। सो गाइस, एक चीज और कहना चाहती हूँ, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए, अपना नॉलेज इंक्रीज कीजिए। ये मत सोचिए कि जनरल प्रमोशन है, पास हो जाएंगे, फिर अगले साल जो है वो हम सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे या फिर हम थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे। ऐसे करते करते जनरल प्रमोशन का लाभ उठाते उठाते हम जो है वो जैसे तैसे पूरा कॉलेज ही निकाल लेंगे। तो इस चक्कर में आप बिल्कुल भी मत रहिए। लास्ट टाइम मैंने, मतलब कंटिन्यू दो तीन दिन से मैं जनरल प्रमोशन एंड ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर ही जो है वो ज्यादातर वीडियो डाल रही हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैडम ऐसे वीडियो मत डाले क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करना ही छोड़ देंगे। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करना ही छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हम तो पास हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आप लोग अपने कैरियर के प्रति थोड़ा सा भी अगर आप सीरियस हो तो आप जो है वो अभी भी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। जो आपको अभी टाइम मिल रहा है उस टाइम का जो है वो आप लाभ उठाइए और एटलीस्ट जो है वो आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको बाद में काम आए। क्योंकि देखिए, कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो आप पढ़ोगे वही चीज आप एमएससी में पढ़ोगे, वही चीज आप एमकॉम, एमए, आप जो भी कर रहे हो उसमें जो है वो आप पढ़ोगे। तो अगर अभी आप जो है वो नोट्स बना करके रखोगे तो आगे की पढ़ाई में भी जो है वो आपको काम आएगा। क्लियर हुआ गाइस? तो आई होप यो आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर करें एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।